News 18, India. नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 160 गांवों के किसान अपनी मांगों को लेकर आज बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान संगठन नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ओर से जमीन अधिग्रहण के बदले अधिक मुआवजा दिए जाने और भूखंड देने की मांग कर रहे हैं और इस सिलसिले में किसानों ने संसद तक मार्च का आह्वान किया है। किसानों का प्रदर्शन देखते हुए नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई और साथ ही साथ कई रूट्स पर ट्रैफिक भी डाइवर्ट कर दिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पुलिस की चौकसी बढ़ चुकी है। संसद तक मार्च करना है इन किसानों को। ये नोएडा और ग्रेटर नोएडा के रहने वाले किसान हैं। हालांकि कई सारे रूट्स ऐसे भी हैं जहां आम लोगों को आने जाने में कहीं बाधाएं ना पहुंचे, उसको लेकर कुछ रूल्स भी फॉलो करना होगा। धारा 144 लागू है और ये किसानों का मार्च अब शुरू होने जा रहा है। लेकिन इस बीच किन किन रूट्स पर पुलिस की चौकसी है, पुलिस हर जगह पे अलर्ट है, वो भी सिलसिलेवार तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों का संसद तक मार्च का प्लानिंग और 160 ऐसे गांव हैं जहां के एक दो नहीं बल्कि हजारों किसान दिल्ली में संसद भवन के घेराव का ऐलान कर चुके हैं। और इसको देखते हुए, क्योंकि यह दिल्ली NCR का इलाका है, चौकसी बढ़ा दी गई है। तो किसानों के संसद घेराव कार्यक्रम की वजह से नोएडा से दिल्ली जाना बेहद इस वक्त मुश्किल हो सकता है। नोएडा में हर जगह पर पुलिस का पहरा सख्त है, कहीं भी कोई अव्यवस्था ना हो इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ड्रोन से बकायदा निगरानी की जा रही है और धारा 144 भी लागू है। ये चार तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, किसानों का संसद मार्च, ये पहली तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप ये देख रहे हैं कि नोएडा में जगह जगह पे पुलिस का पहरा है, सुरक्षा सख्त है, कई जगह पे रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। और न्यूज 18 इंडिया के हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जावेद और मानव भी हमारे साथ है। लेकिन पहले जावेद, आपके पास आते हुए, क्योंकि ये जो टाइमिंग है, इस वक्त लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं, जरा पहले दर्शकों को ये जानकारी दीजिएगा कि कहां कहां पर डायवर्जन है, कहां कहां पर सख्ती बढ़ा दी गई है, किन इलाकों में जो लोग निकल रहे हैं उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। पीछे गाड़ी है, थोड़ा देखिए स्थिति, आप तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि चिल्ला बॉर्डर पर क्या स्थिति बन गई है। मेरी मौजूदगी चिल्ला बॉर्डर पर है। सबसे पहले मैं आपको इस सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर दिखाता हूँ जो किसानों ने संसद कूच करने का ऐलान किया था। बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पर न सिर्फ पुलिस तैनात है बल्कि RAF की टुकड़ियां भी यहाँ पर लगाई गई हैं। आप जरा तस्वीर एक बार देख लीजिए, बैरिकेड्स लगाए गए हैं और यही वजह है यहाँ पर वज्रवाहन भी इस्तेमाल किया गया है कि किसान अगर बढ़े तो यहाँ पर उनको रोका जा सके। अब जरा तस्वीर हम आपको वो दिखाते हैं जिसका जिक्र आप कर रहे थे, नोएडा से दिल्ली आने वाले ट्रैफिक की। कमलदेव एक बार आप जरा दिखाएं, जो नोएडा से दिल्ली ट्रैफिक आ रहा है वो किस तरह से रेंग रहा है। बहुत ज्यादा भारी जैम जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। कुछ इसी तरह की तस्वीर दिल्ली से आने वाले ट्रैफिक की है, जो दिल्ली से नोएडा ट्रैफिक आ रहा है उसकी भी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। हम जब अभी लौट रहे थे मयूर विहार से ही ये ट्रैफिक जैम शुरू हो जाता है और यहाँ चिल्ला बॉर्डर तक आप देख लीजिए, यहाँ पर वाहनों की संख्या देखिए, लंबी लंबी कतार देखिए और साथ ही सुरक्षा के इंतजाम भी देखिए, तो सीधा असर दिल्ली NCR के ट्रैफिक पर इसका पड़ रहा है। 160 गांव के जो किसान हैं उन्होंने आज संसद का घेराव करने का ऐलान किया है। लगातार दिसंबर के आखिरी वक्त से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर और आज उन्होंने संसद घेराव का ऐलान किया, जिसकी वजह से न सिर्फ बॉर्डर के इलाकों पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है बल्कि नोएडा पुलिस ने कई रूट डाइवर्ट किए हैं, चाहे रजनीगंधा और हरोला चौक के आसपास की बात हो तो तमाम डायवर्जन के तहत। जावेद, हम आपका रुख करेंगे। मेरे एक और सहयोगी मानव हमारे साथ बने हुए हैं। मानव, दिल्ली पुलिस हो या फिर नोएडा की पुलिस हो, दोनों ने ये चुनौती बीते एक साल पहले वो देख चुकी है। तकरीबन 2 साल से ज्यादा वक्त गुजरा जब किसानों का मार्च हमने दिल्ली के अलग अलग रूट्स पे देखा था, लेकिन इस बार अगर दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं किसान तो क्या सरकार के स्तर पर भी कोई हस्तक्षेप अभी तक हुआ है या प्रशासनिक टीमें सिर्फ व्यवस्थाएं सुधार रही हैं? रिमा, देखिए मैं तकरीबन सुबह 6:30 बजे के आसपास ग्रेटर नोएडा पहुंचा था और ये ग्रेटर नोएडा का परिचौक है। यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर की वो दूरी है जहाँ पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर ये भी मिली है कि पुलिस ने उन तमाम बड़े किसान नेताओं को वहां से हटा दिया रात भर और बड़ी ये एक तरीके सफलता है प्रशासन की, लेकिन उसका पूरा असर हम सड़क पर ये देख रहे हैं कि कड़ी व्यवस्था होने के चलते यहाँ पर बहुत जाम है। मैं अपना ही अनुभव साझा करूँ तो तकरीबन 1 किलोमीटर का यूटर्न लेने के लिए मैंने 45 से 50 मिनट गाड़ी में बैठकर इंतजार किया कि ट्रैफिक खुले, लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि नोएडा से ग्रेटर नोएडा जो एक्सप्रेसवे जाता है उस पर
बाहरी वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद है। आप ये रास्ता देखिए, ये वो सड़क है जो ग्रेटर नोएडा को नोएडा से कनेक्ट करती है और इस पर सिर्फ निजी वाहन जा रहे हैं, छोटे वाहन जा रहे हैं, कारें चल रही हैं, कोई भी माल ढोने वाला वाहन इस पर नहीं जा रहा है। और यहां से ही रास्ता आगे आगरा लखनऊ की तरफ जाता है, तो बड़े वाहनों को यहां पर रोका जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि नोएडा पुलिस की एक तरीके से इसमें सफल वो इसलिए रही है क्योंकि उन्होंने यहाँ से किसानों को किसी भी हाल में नोएडा की तरफ जाने से रोका हुआ है। अभी तक सड़क पर हमको कोई भी एक भी ट्रैक्टर ट्रॉली हमको दिखाई नहीं दिया। सुबह ये 7 बजे से अभी 11 बजे हम बात कर रहे हैं, ये वो हाल मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदर्शन को रोकने में पुलिस कामयाब रही है, लेकिन पूरा असर पड़ रहा है ट्रैफिक व्यवस्था पर यहाँ पर। आपका हम दोबारा से रुक करेंगे, लेकिन इस बीच नोएडा में सभी सीमाओं को फिलहाल सीज कर दिया गया है और वहां धारा 144 लागू कर दी गई है। तो लगातार हम आपको तस्वीरों के जरिए भी बता रहे हैं कि किन किन रास्तों से आप निकल रहे हो, तो बचकर निकलिएगा क्योंकि जाम लगने की स्थिति बन सकती है। क्योंकि कई किसान हजारों की संख्या में, आपको बता दें कि वो ग्रेटर नोएडा नोएडा से वो संसद का घेराव करने की बात कर रहे थे और इसीलिए एहतियातन यहाँ पर पुलिस व्यवस्था सख्त की गई है। जनपद में जो पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर है उसमें धारा 144 लागू कर दी गई है, सारे बॉर्डर सील किए गए हैं, भारी पुलिस बल सारे बॉर्डरों पर लगाया गया है। साथ ही साथ आम जन को किसी तरह की परेशानी ना हो उसके लिए भी हम लोग यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चले, डीसीपी ट्रैफिक हमारे साथ में है, तो निश्चित रूप से जो सुरक्षा है वो पुख्ता की गई है। साथ ही साथ किसानों से भी वार्ता हमारी कंटिन्यू जारी है। कुछ ही देर बाद लोकसभा में यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर एनडीए सरकार व्हाइट पेपर यानी श्वेत पत्र पेश कर सकती है। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका जिक्र भी किया था। संसद के मौजूदा बजट सत्र के दौरान केंद्र सरकार संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए शासन के दौरान आर्थिक कुप्रबंधन पर श्वेत पत्र जारी करेगी। श्वेत पत्र में सरकार देश की अर्थव्यवस्था पर 2014 से पहले लिए गए आर्थिक फैसले से पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में विस्तार से बताने वाली है। हालांकि यूपीए के तरफ से भी यानी कांग्रेस गठबंधन के तरफ से भी अलग तैयारी है। वित्त मंत्री जी ने जब अंतरिम बजट पेश किया था उसी का ये पार्ट था कि 2014 में इन्होंने कैसी इकोनॉमिक सिचुएशन देश के सामने छोड़ी थी उसका जिक्र करना जरूरी है। तो उसी क्रम में, उसी सिलसिले में लोकसभा 5 साल के बाद नए रंग रूप के साथ सज जाती है। ये सदन हर 2 वर्ष के बाद एक नई प्राण शक्ति प्राप्त करता है, एक नई ऊर्जा प्राप्त करता है, एक नए उमंग और उत्साह का वातावरण भर देता है।